टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी बोले, लद्दाख के लोगों का जीवन बना रहे आसान, लद्दाख का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। वाईएसआरटीपी चीफ वाइस शर्मिला का विवादित बयान, तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान का है, केसीआर इसका तालिबान। अभिषेक बनर्जी के बयान पर बोले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले अपने गिरिबान में झांकी। बंसे नेता का आरोप, संजय राउत ने किया महाराष्ट्र का अपमान, बोले मैं होता तो थप्पड़ मार देता। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग विवाद के बाद आया असम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का जवाब, बोले भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप में स्थित है। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर कसा तंज, बोली जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए प्रयोगशाला है, यहां प्रयोग कर देश में लागू करते हैं। उद्धव ठाकरे का शाह पर तंज, कहा कि वो लोगों को लड़ाकर राज करना चाहते हैं, गृहमंत्री ने ईसी के फैसले का स्वागत किया था। मेघालय बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अनिष्ट मावरी का बड़ा बयान, बोले मैं बीफ खाता हूं, पार्टी को मेरे खान पान से कोई दिक्कत नहीं। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर किया कड़ा प्रहार, बोले नीतीश से बिहार संभलता नहीं, देश संभालने चले हैं। सीएम नीतीश के ऑफर पर कांग्रेस का जवाब, जयराम रमेश ने कहा विपक्ष पर एकता पर भी बात करेंगे, हमें दायित्व पता है। राजनीतिक लाभ के लिए जनता का पैसे का हो रहा इस्तेमाल, सुवेंद्र बोले धन का स्रोत बताए सीएम ममता। संजय राउत का दावा, बोले शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए की हुई डील। दिल्ली में एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी के घर पर पथराव, खिड़कियां टूटी, आईएमआईएम चीफ ने दर्ज कराई शिकायत। मोरबी पुल हादसे के लिए जंग लगे तार जिम्मेदार, एसआईटी की जांच में खुलासा, पुराने सस्पेंडर्स की नई के साथ वेल्डिंग की गई। सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी ने कहा स्वस्थ चर्चा के लिए सदन संचालन में सहयोग करें सभी दल। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश का नाम लिए बिना निशाना साधा, बोले विरासत में गद्दी मिल सकती है बुद्धि नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले प्राइवेट डॉक्टर सरकारी महकमे में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है। अखिलेश यादव का आरोप, बोले अस्पतालों में दवा और इलाज दोनों का अभाव, बोले प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल।
संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले हर भारतीय का पूर्वज हिंदू। बरेली में मोहन भागवत ने कहा जाति का भेदभाव छोड़िए। एकनाथ शिंदे बोले सीएम नहीं शिवाजी का सिपाही बनकर आया हूं, आजादी के बाद पहली बार आगरा किला में मनी जयंती। आगरा में आयोजित हुआ शिवाजी जयंती समारोह, सीएम योगी बोले ऐसे कार्यक्रम श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जीवंत बनाते हैं। कानपुर में जब्त की जाएगी इरफान सोलंकी की संपत्ति, आज से शुरू होगी कार्यवाही, अधिकारियों के पास पहुंची रिपोर्ट। निखा से 3 दिन में पूछे गए 60 सवाल, रिमांड पूरी, कई सवालों के जवाब में हाथ जोड़े, मुख्तार से कनेक्शन तलाश रही एसआईटी। सपा में रामचरितमानस पर बयान, बैन शिवपाल सिंह यादव बोले आजीवन सपा के लिए काम करूंगा। संभल में पीएससी जवानों से हाथापाई, मंदिर के पास बाइक खड़ी करने को लेकर भिड़े दो भाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में इनामी डकैत एनकाउंटर में ढेर, साहब सिंह गोंडा में 5 लोगों की हत्या में शामिल था, जवाबी फायरिंग में लगी 3 गोली। मिला प्रेमी प्रेमिका के घर से प्रेमिका युगल का शव, बहन का आरोप, मरने से पहले शुभम ने फोन किया था। उन्नाव में डीसीएम से टकराकर स्कूटी सवार की मौत, गाड़ी से लदे पीलर से टकराया सिर, दोस्त घायल, नहीं लगाया था हेलमेट। झांसी में 11 दिन में 12,000 लोगों की अर्जी, 60 करोड़ वापस मांगेंगे लोगों के चिटफंड, कंपनियों में 1800 करोड़ रुपए। पुलिस चौकी के पास चल रहा था हुक्का बार, एडीसीपी ने मारी रेड, 4 गिरफ्तार संचालक फरार, चौकी प्रभारी सस्पेंड। अलीगढ़ में लाखों की चोरी का हुआ खुलासा, गांव के लोगों ने ही की थी चोरी, पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपी पकड़े। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद में चली गोली, बुजुर्ग की मौत, 6 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवरिया में दीवार से टकराई बोलेरो चालक की मौत, 4 लोग की हालत नाजुक, बहन की विदाई कराने जा रहे थे सभी। शाहजहांपुर में 7 साल के बच्चे की हत्या, शरीर पर 6 जगह धारदार हथियार से किए गए वार के निशान, कपड़ों पर भी 1 छेद है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर 10,000 जुर्माना, प्रयागराज में परिवहन विभाग की तरफ से चलेगा विशेष अभियान। उन्नाव में घर का छज्जा गिरने से 2 की मौत, 1 घायल, डूडा कॉलोनी में जन्मदिन की चल रही थी पार्टी। मस्जिद के जीर्णोद्धार में विहिप और बजरंग दल का हंगामा, बांदा में 40 से 50 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच के लिए टीम गठित की गई। बर्थडे पार्टी में असलाह लहराने वाला गिरफ्तार, अलीगढ़ में वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने शुरू की थी जांच। जौनपुर में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल, 53 के खिलाफ केस दर्ज।
मेलबर्न की तर्ज पर बनेगा कानपुर का ग्रीन पार्क। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा एक पिच पर हो क्रिकेट फुटबॉल। बरेली में आज से एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। टीवी के मरीजों की पहचान के लिए घर घर चलेगा अभियान। 400 टीमें गठित की गई। मेरठ में हिंदू बनकर शादाम ने विवाहिता से रचाई शादी। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर घर से निकाला। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद में 7 वर्षीय मासूम पर फावड़े से हमला। घर के आगे निकलने पर क्या हमला, शिकायत करने पर परिवार को पीटा। मेरठ में महिलाओं का धरना प्रदर्शन। कॉलोनी में रास्ते पर अवैध निर्माण को रोकने की मांग। भाजपा नेता ने भी किया था विरोध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी करेंगे चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। 21 फरवरी को होगी बैठक। घर लौटते ही सक्रिय हुए पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। पार्टी के भीतर चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी की घोषणा। उपनल कर्मचारी की मौत पर आश्रितों को मिलेगी 1 लाख की धनराशि। उत्तराखंड में 30 अप्रैल को होंगे कैंट बोर्डों के चुनाव। रक्षा मंत्रालय ने देश के सभी 57 कैंटों को जारी किया आदेश। उत्तराखंड सरकार में मंत्री राज्य मंत्री स्तर के 88 पद खाली। होली से पहले सीएम कर सकते हैं दायित्वों की घोषणा। जोशीमठ भूत हसाव से बद्रीनाथ हाईवे पर बढ़ रहा है खतरा। 20 से अधिक स्थानों पर धंसी सड़क। उत्तराखंड के ऑलवेदर रोड की सुरंग में दिख रही दरारें। दहशत में आए लोग बोले भू वैज्ञानिकों से कराए जांच। बद्री केदार मंदिर समिति तैयारियों में जुटी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज से हटाई जाएगी बर्फ। हरिद्वार में भारी भीड़ पहुंचने की संभावना। पुलिस सतर्क। 5 सुपर जोन में बांटा मेला क्षेत्र। उत्तराखंड में फरवरी में ही मौसम के तेवर तल्ख। पर्वतीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान। एसटीएफ ने एक और आरोपित को किया गिरफ्तार। नकल गिरोह के सरगना सादिक मूसा को दिया था पेपर। उत्तराखंड में 2.5 माह बांध पिंजरे में कैद हुआ हिंसक गुलदार। बीते वर्ष दैना गांव में मोहन राम को बनाया था शिकार। उत्तराखंड में स्कूल में पढ़ाने के समय शिक्षिकाओं को मनाया जन्मदिन। खूब किया डांस, वायरल हुआ वीडियो। हिरासत में लिए चोर ने राजस्थान पुलिस को दिया चकमा। शौचालय की खिड़की तोड़कर हुआ फरार। उदयपुर सिटी एक्सप्रेसवे से टकराया सांड। इंधन के नीचे फंसा पुलिस जवानों के लोगों की मदद से निकाला गया। उत्तर कोरिया ने 48 घंटे में दागी दूसरी ब्लास्टिक मिसाइल। यूएस साउथ कोरिया मिलिट्री डील के बाद टेस्ट किया।
पाकिस्तानी तालिबान की धमकियां। आतंकी संगठन ने कहा पुलिस पर हमले जारी रखेंगे, वो फर्जी एनकाउंटर करती है। तुर्की सीरिया में 46,000 से ज्यादा मौतें। त्रासदी को दो हफ्ते पूरे, तुर्की सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने जेसिंडा के बाद स्टर्जन ने पद छोड़ा। पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मेहनत कर शीर्ष पद पाती हैं महिलाएं। अफ्रीकी यूनियन ने बर्खास्त किया इसराइल का ऑब्जर्वर स्टेटस। राजदूत को असेंबली हॉल से निकाला बाहर। अफगानिस्तान में गर्भ निरोधकों पर बैन। तालिबान ने कहा ये मुस्लिम आबादी रोकने की साजिश। रूस यूक्रेन जंग में सैनिक का डबल रोल। दिन में सैलून पर हेयर ड्रेसर, रात होते ही ड्रोन स्मार्ट गिराने की जिम्मेदारी। चीन में जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले गायब, इनमें कई महिलाएं, सभी कोरोना के दौरान व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट में शामिल थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा रूस की तबाही चाहना गलत, हम ऐसा सोचने वालों का साथ नहीं देंगे। सीरिया को अलग थलग करना गलत, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर बोले कभी तो उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। ब्लू टिक के लिए अब फेसबुक भी पैसा लेगा। जुकरबर्ग इसी हफ्ते लॉन्च करेंगे सर्विस, शुरुआत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से किया जाएगा। व्हाट्सएप ने ऐड किया नया पिक्चर इन पिक्चर फीचर, अब यूजर्स वीडियो कॉलिंग के साथ यूज कर सकेंगे दूसरे ऐप। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, 1 मार्च को हो सकता है ऐलान। वीवो ने लॉन्च किया Y56 नाइट कैमरा स्मार्टफोन, अंधेरे में खींच सकेंगे दिन जैसी फोटो और वीडियो। सरकारी बैंकों के फंसे कर्ज में गिरावट, मुनाफा में 65% बढ़कर 29,175 करोड़ रुपए पर पहुंचा। राजीव कुमार का बड़ा बयान, बोले अगले वित्त वर्ष में 6% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, गौतम अदाणी निवेशकों और जनता से इस तरह खुलकर झूठ क्यों बोल रहे हैं। G20 के वित्त मंत्रियों और RBI गवर्नर की साथ में पहली बैठक बेंगलुरु में, वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। भारतीय बाजार पर लौटा विदेशी निवेशकों का भरोसा, FPI ने डाले 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में गिरावट, ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज का शेयर 5% टूटा, सेक्स से 250 पॉइंट चढ़ा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस घर लौटे, परिवार के स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए फैसला इंदौर टेस्ट में करेंगे वापसी। चौदह मई को ये हो सकता है धोनी का फेयरवेल मैच, चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी ने पुष्टि की, चेपक में खेल सकते हैं आखिरी मैच।
दूसरी बार बना रणजी चैंपियन। फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हराया। उनादकट ने 9 विकेट लिए। केएल राहुल कोहली का ट्विटर पर भिड़े आकाश चोपड़ा और वेंकटेश प्रसाद। सोशल मीडिया पर लोगों ने निकाली भड़ास। न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम। आखिरी मैच में श्रीलंका को 102 रन से रौंदा गया है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत वर्सेस आयरलैंड। जीते तो सेमीफाइनल, हारने पर बाहर होंगे हम। हार्दिक पांड्या पहली बार वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच नहीं खेलेंगे रोहित। जडेजा की वापसी। टीम इंडिया का WTC फाइनल लगभग पक्का। साउथ अफ्रीका भारत से आगे नहीं जा सकता। श्रीलंका के मौके भी न के बराबर। मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने की रेस में कई करोड़पति। रेडक्लिफ ने क्लब को खरीदने के लिए लगाई 44,000 करोड़ की बोली। न्यूजीलैंड में 15 साल बाद जीता इंग्लैंड। बेन स्टोक्स की कप्तानी में 10वीं टेस्ट जीत। हैरी ब्रुक्स रहे प्लेयर ऑफ द मैच। अक्षय कुमार के लिए फैंस की दीवानगी। बैरिकेड कूदकर अक्षय से मिलने पहुंचा शख्स। बॉडीगार्ड्स ने दिया धक्का तो एक्टर ने लगाया गले। साउथ स्टार देवरकोंडा पहुंचे मनाली। परिवार के साथ 3 दिन रुकेंगे। अटल टनल के अलावा लाहौल स्पीति भी जाएंगे। जेल में बंद आदिल खान से मिलने के बाद अब फूटा राखी सावंत का गुस्सा। बोली, सारा चिट्ठा खोल कर रहूंगी। अनुष्का शर्मा का खुलासा, रब ने बना दी जोड़ी को लेकर राज रखना चाहते थे आदित्य चोपड़ा। विकेट पर पठान के आगे फुस साबित हुई शहजादा। शाहरुख की फिल्म ने 26वें दिन 4.28 करोड़ का किया बिजनेस। संजय लीला भंसाली ने फिल्म मेकर्स को दी नसीहत। बोले, बिना फैक्ट्स के पीरियड फिल्में नहीं बनानी चाहिए। नेटफ्लिक्स के इवेंट में बेटी के साथ पहुंचे अनिल कपूर। फैंस ने की लुक की तारीफ। बोले, उम्र का पता लगाना मुश्किल है। अमिताभ के साथ मनमुटाव पर शत्रुघ्न। बोले, हर स्टार में ईगो क्लैश होता है। दीवार शोले को रिजेक्ट करने का भी है मलाल। मनोज तिवारी के दबंगों से हारे सोनू के शेर। सीसीएल के मैच में भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेस जीते। सूद ने कहा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। फैंस को पसंद आई मृणाल ठाकुर अक्षय की जोड़ी। बोले, दोनों को एक साथ फिल्म करनी चाहिए। सेल्फी गाने पर दोनों ने की शुगलबंदी। आज के लिए शतक पे बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।